गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टोलेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर जहां तक मोटापे की बात है वो आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और इस मोटापे में से अगर आपकी तोंद निकली हुई है अगर आपको एबडामनल ओबेसिटी है या पेट पर फैट ज्यादा है तो यह सबसे ज्यादा खतरनाक है आज हम उन दस चीजों के बारे में बात करेंगे कि इन्हें आप ध्यान दें इनसे आपके जो बेली है या आपका पेट है या आपकी तोंद है उसके बढ़ने की संभावना है नंबर वन जितने भी आप शुगरी आइटम्स इस्तेमाल करते हैं उनको ध्यान से देखिए जब भी आप शुगर के आइटम्स लेते हैं चाहे वो मिठाइयां खाएं

बहुत सारे ऐसे बेवरेजेस होते हैं या पीने की चीजें होती हैं जिनमें है है है। जितने भी processed foods हैं इनमें ना तो फाइबर होता है न इनमें वाइटमिन होता है और इनमें वास्तव में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और जब प्रोसेस्ड फूड आप इस्तेमाल करते हैं तो इनमें होता क्या है एक्चुअली या तो व्हाइट राइस होगा व्हाइट ब्रेड जैसी चीज होगी या ये मैदा से बनी हुई चीजें होंगी जो आपका ब्लड शुगर को स्पीड से ऊपर ले जाती हैं और आपके इंसुलिन के लेवल को भी ऊपर की तरफ ले जाती हैं जब भी आपका ब्लड शुगर इंसुलिन ये ऊपर की तरफ जाता है तो आपका वेट गेन होता है और उस वेट गेन में से आपकी जो तो है उसके निकलने की संभावना हमेशा बढ़ती है इसके अलावा इन चीजों में साल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है इन प्रिजर्वेटिव भी ज्यादा होती है तो इससे आपको बचने की जरूरत है नॉ लुक एट द फिजिकल इनएक्टिविटी जहां तक फिजिकल इनएक्टिविटी का सवाल है अगर आपकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री है आप लगातार टीवी देखते रहते हैं खाते रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको जो ओबेसिटी है उसके बढ़ने की हमेशा संभावना होती है एक स्टडी ने ऐसा माना कि ऑल दो फीमेल्स जो तीन घंटे लगातार बैठी रहती हैं, उनमें जो एबडामनल ओबेसिटी की रिस्क है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है नो लुक एट दि स्लीप जहां तक नींद का सवाल है नींद के बारे में जो साइंस है उसके दो ओपिनियन है नंबर वन अगर आपकी नींद कम है आप रोज पांच घंटे से कम सोते हैं तो आपको एबडामनल ओबेसिटी या पेट के ऊपर फैट आने की संभावना या वेट गेन होने की संभावना ज्यादा है ऐसे ही अगर आप रोज आठ घंटे से ज्यादा सोते हैं तो भी यही प्रॉब्लम है कि आपका वेट गेन होगा और आपके पेट में तो निकलेगी इसलिए ऑप्टिमली आपको छह से आठ घंटे के बीच में नींद लेने की जरूरत है यही अमाउंट स्लीप है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लुक एट दी स्ट्रेस अगर आपको स्ट्रेस का लेवल ऊपर है तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा होंगे जब मैं स्ट्रेस हार्मोन की बात करता हूं तो मैं कार्टिसोल की बात करता हूं जो कार्टिसॉल है वास्तव में एबडामनल जो ओबेसिटी है या पेट में जो तोन निकलती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इसके अलावा अगर स्ट्रेस होगी तो आपकी स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी आपका वेट गेन होगा आप ओवर करेंगे आपका वेट, गेन आप का बढ़ाएंगे, आपका वेट गेन स्मोकिंग करते हैं तो फैट है वो आपके वेस्ट लाइन पर डिपॉजिट होता है इसके अलावा स्मोकिंग कैंसर हार्ट की प्रॉब्लम इनका रिस्क भी खड़ा करती है जहां तक अल्कोहल का सवाल है अल्कोहल को एम्प्टी कैलरी माना जाता है अल्कोहल एक्चुअली कार्ब होते हैं ये सिंपल कार्ब होते हैं और अगर आप ज्यादा जा, मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी तो आपकी बेली इसके अराउंड फैट हमेशा डिपॉजिट होता है बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा भी माना कि अगर आप अल्कोहल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जो फैट बर्निंग की जो प्रोसेस है वो नीचे की तरफ आती है एज ए रिजल्ट जो फैट है वो आपके पेट के ऊपर डिपॉजिट होता है तो तो निकलती है ज्यादा अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो लिवर डिजीज का रिस्क बढ़ता है इंफ्लेमेटरी जो प्रॉब्लम है उनका रिस्क बढ़ता है इन वास्तव में हेल्थ के बहुत सारे रिस्क आपको खड़े होते हैं नो लुक ओवर ईटिंग है वो आपकी हैबिट हो सकती है लेकिन साइंटिफिकली अगर आपको स्ट्रेस परसिस्ट करती है वो भी आपको ओवर ईटिंग कराती है अगर आप ओवर ईट करेंगे इसका मतलब आपकी बॉडी में कैलोरीज़ ज्यादा जाएंगी तो इवेंचुअली आपका वेट गेन तो होगा और वेट गेन होगा तो उसका बहुत सारा जो आई मीन एरिया है वो पेट पर पहुंचेगा और आपकी जो तोंद है वो निकलेगी लुक एट जेनेटिक्स, कभी कभी जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है यानी अनुवांशिकता प्रॉब्लम होती है कुछ स्पेसिफिक जीन्स ऐसी होती हैं जो हमारी कैलोरी को रेगुलेट करती हैं हमारी वेट को रेगुलेट करती हैं। अगर ये जीन्स आपकी प्रॉब्लम कर रही हैं, तो आपको इस तरह की ओबेसिटी होगी इन साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपकी जो ओबेसिटी है अगर आपकी सेंट्रल ओबेसिटी है वो जेनेटिकली है तो इसको रिपेयर करना बहुत आसान नहीं है तो जेनेटिक जो ओबेसिटी है वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करती है लुक एट द डाइट डाइट में अगर आप प्रोटीन कम लेते हैं तो प्रॉब्लम है इसलिए कि प्रोटीन प्रोटीन आपका जो जो मसल मास है 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 उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो प्रोटीन है, आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है जो प्रोटीन है वो आपको चूंकि देता है तो अननेसेसरी जो आप कैलोरी लेते हैं उनको कम करता है तो इसलिए वो सब जितनी डाइट्स हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा है वेट बेट

कि ये दस फैक्टर्स ऐसे हैं जो पेट के ऊपर फैट जमा करने की ताकत रखते हैं इसे कहते हैं ओबेसिटी इससे ज्यादा खतरनाक है वो फैट जो पेट के अंदर चला जाता है जिसे कहते हैं विसरल विसरल फैट फैट वो है जो पेट के अंदर के अंगों के चारों तरफ डिपॉजिट होता है और पेट के अंदर के अंगों के अंदर भी डिपॉजिट होता है ये जो फैट है ये बहुत सारी हेल्थ की रिस्क लेके चलता है इन वास्तव में लाइफ को बहुत सारे खतरे पैदा कर सकता है अगर एबडॉमल ओबेसिटी क्यों होती है उसके रीजन को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच